Welcome or welcome back to my YouTube channel, and if you are here for the very first time, then hello, my name is Kalyani and here's my Instagram handle. You can follow me on Instagram as well. So here I have my Instagram handle. So in today's videos we are going to do bags and boots haul. So मैंने bags and boots दोनों ही लिए हैं, and trust me, सारे जो purse के quality है ना, like they are kind of affordable, like under 1000 है, but the quality is so good. So yeah, हम लोग start करते हैं video को. सबसे पहले I got this bag. So ये वाला print बहुत ज़्यादा trend में चला हुआ है, and the quality is really nice. इसका जो ये चीज़ था, like the detailing, तो मेरे को ये चीज़ के वजह से ये वाला bag पसंद आया. So basically इसमें ना इसी type से pack हो करके आया था. So ये sling bag है, आप इसको बहुत ही लंबा छोटा कर सकते हो. The quality is superb. क्या हो गया ये? भाई ये क्या हो गया, बैग को लग गया है, ठीक हो गया. तो ये इतना बड़ा सा स्लिंग है इसका, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो. सो इसके अंदर में ना दिस चेन, इसका भी क्वालिटी सही है. सो ये रहा अंदर में, एंड यहाँ पे आपको ये मिलेगा अभी ऑब्वियसली, बिकॉज ये इसलिए रखते ताकि ना पर्स का ये जो बैग का जो सेप है ना वो बिगड़े ना. तो इसके अंदर इतना सा स्पेस है, देखो इतना ही स्पेस है इसमें, एंड इसके अंदर में यहाँ पे बस एक चेन है जिसमें कि आप रख सकते हो जो भी आपको रखने का मन है. सो ये रहा इतना ही स्पेस है इसका, एंड इस इन ब्लैक कलर तो आउटफिट पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्लस ये काम भी बहुत अच्छे से करेगा. सो फर्स्ट इज दिस वन, एंड इसका प्राइस था इतना. काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्लासी लगता है, अच्छे मटेरियल का, अच्छे क्वालिटी का है, यू कैन सी. तो काफ़ी अच्छे से पॉलिश किया हुआ, शाइनी सा है इसका जो ये पार्ट है ना, बहुत शाइनी सा है. अगर आप इसे छूओगे तो आपको पता लगेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट इज इसी ब्रांड से एक और पर्स मैंने मंगवाया है, वो है ये वाला. तो इसका प्रिंट, इसका भी प्रिंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई, एंड दोनों ही साथ में आया था वैसे, तो मैंने भी खोला भी नहीं है वैसे. तो नेक्स्ट है ये, एंड ये है इसका ब्रांड का सैची मुसी, आप लोग बताओ ये कौन से ब्रांड है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, क्योंकि गुची का GUCCI गुची होता है, तो SACCI सैची मुची. ये रहा उसी ब्रांड का दूसरा बैग. इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, प्रिंट मेरे को प्रिंट की वजह से मैंने लिया, तो बेसिकली बहुत ट्रेंडी प्रिंट है, एंड इज इन ब्राउन कलर, एंड इसका क्वालिटी वाइज फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये भी सेम टू सेम ही डिज़ाइन में पैक होकर के आया है. तो ये रहा स्लिंग इसका, एंड इज द बैग, काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें भी सेम टू सेम ही स्पेस है, एंड जैसे वो वाले बैग में था, यू कैन सी. तो इसमें भी एक अंदर में चेन है, सेट दिया हुआ, तो इसमें इतना स्पेस है, एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है कोई भी आउटफिट पे पहनने का. तो इसका प्राइस भी ऐसे अफोर्डेबल था, दोनों का सेम टू सेम प्राइस था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 500 के अंदर ही था वैसे ये वाला पर्स भी. नाउ हमारा तीसरा जो बैग है, वो है बैगेट से, एंड आई नो आप लोगों ने बैगेट ब्रांड का नाम सुना ही होगा, मतलब मैं जब भी मॉल गई तो मैंने बैगेट का बैग देखा है, बैगेट हैप्रीज वगैरह का. तो इसका जो ये वाला मैंने इसी लिया क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज है, लाइक काफ़ी कुछ इसमें आ जाएगा, बहुत स्पेसियस है, एंड कलर मेरे को कलर इसका पसंद आया. तो कलर बहुत अच्छा है इसका, एंड ये बैगेट का ब्रांड लोगो बहुत सारे चीज में काम आएगा, लाइक कॉलेज में ले जा सकते हो, ऑफिस में भी ले जा सकते हो, बहुत स्पेस है इसमें. तो ऐसे आप मम्मी को गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हो, ये वाला बैग काफ़ी अच्छा है, उनको पसंद आएगा क्योंकि उन लोगों को चाहिए होता है, मतलब मेरी मम्मी को हमेशा चाहिए होता है कि यार इसमें स्पेस तो है ही नहीं, क्या करेंगे पर्स लेके. ये वाला बैग अपनी मम्मी को भी गिफ्ट कर सकते हो. आगे में ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, लाइक सूलेस काइंड ऑफ डिज़ाइन बोल सकते हैं. ये रहा इसके अंदर का स्पेस, तो ये चीज़ दिया हुआ है बिकॉज बिगड़े ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वैसे, मम्मी को पसंद आएगा. इसके अंदर में भी यहाँ पे चेन दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, एंड ब्रांड्स का मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, डोंट नो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ब्रांड्स का लोगो दिया हुआ है, ठीक है, एंड इसके चेन पे भी दिया हुआ है ब्रांड्स का लोगो, मेरे को ये चीज़ पसंद आता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, चाहे वो छोटा सा भी ब्रांड रहे तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आता है कि उनका जो लोगो है ना सारी जगह पे दिया हुआ, एंड अच्छे वे में दिया हुआ, लाइक ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का दे दिया गया है, तो अच्छा भी लगना चाहिए, तो वैसा वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आता है. इसके अंदर में भी लोगो पूरा ऐसे बना हुआ है, आई होप यू कैन सी. तो
काफ़ी अच्छा क्वालिटी भी है इसका एंड बहुत अफोर्डेबल भी है, लाइक यहाँ पे प्राइस मेंशन है। देन जो नेक्स्ट बैग है मेरे पास, ओ माय गॉड मैं पूरा ऐसे वो यूट्यूबर जैसे फील ले रही हूँ। जो नेक्स्ट बैग है वो ना मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ही देखती थी, लाइक सीरियसली वो मेरा देखा हुआ बैग है। और जो मैं इमेजिन करती थी, मतलब आप लोगों ने भी किया होगा, लाइक डॉल हाउस खेलते टाइम जो उनके पास डॉल के पास जो रहता था ना पर्स, तो वो ऐसा ही रहता था, यही कलर रहता था, तो मैं बहुत प्यारा लगा। ऐसा नहीं लग रहा बारबी वाला पर्स है, जो डॉल के साथ जो आता था वही पर्स है। एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड फास्ट ट्रैक का घर ही आता था पहले, आई डोंट नो बैग भी आई थिंक अब वो बनाने लग गए, बट कितना क्यूट है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली इसका जो पैटर्न वगैरह सब कुछ है ना, वो डॉल से पूरा ऐसे मिलता जुलता है, तो हाँ मैं देख के ही खुश हो गई कि बचपन में आप लोगों ने खेला होगा। वैसे मैं ज़्यादा डॉल से नहीं खेलती थी, बट मैंने देखा बहुत है। एंड इसमें स्लिंग भी है, आप उस स्लिंग को निकाल सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। कितना क्यूट, मतलब कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, वो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है वो वाले पर्स का। एंड इसमें दो यहाँ पे बटन से लाइक मैग्नेटिक काइंड ऑफ, एंड ये रहा इसका स्पेस, थोड़ा बहुत कम है बट फोन वगैरह आ जाएगा, कम स्पेस है। सिर्फ 900 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को ये, तो फास्ट ट्रैक का ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ। फास्ट ट्रैक का वारंटी कार्ड दिया हुआ है, ओके, कंडीशन ऑफ वारंटी फॉर बैग्स यहाँ पे दिया हुआ है फास्ट ट्रैक का। सो हैप्पी, एंड ये आउटफिट भी बहुत अच्छा लगेगा ना, लाइक आउटफिट पे बहुत अच्छे से फोटो भी आएगा। कुछ भी ऐसे ब्राइट कलर डाल लो, ऐसे आपका आउटफिट प्लेन ब्लैक भी है ना, लाइक ग्रे कलर में भी है, बट ये बैग लेकर के हाँ मस्त लगने लग जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज फॉर भी 632, थोड़ा सा कम प्राइस होना चाहिए था, लाइक 450 तक चल जाता है, बट ये बैग बहुत अच्छा है। वैसे इसमें स्लिंग काफ़ी लंबा सा है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड बेसिकली मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉकेट है एंड इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, लाइक फोन के साइज का पॉकेट यू कैन सी। एंड आई लव द ऑब्वियसली द चेन, तो सारी जगह पे ऐसा चेन है, एक दो एंड इस साइड भी है एंड इसके पीछे में भी, यहाँ पे आई डोंट नो इसमें क्या रखाएगा, कुछ तो रखा जाएगा। एंड यहाँ पे है और एयर फ्लो के लिए, तो इसके अंदर में लाइक यहाँ पे ये रहा एक पॉकेट, ये रहा दूसरा, एंड देन तीसरा ये रहा, इसमें एक फ़ोन आराम से आ जाएगा वैसे। एंड चौथा ये रहा, लाइक फोर बहुत ज़्यादा स्पेस है मतलब सेक्शन वाइज, एंड मेरे को पॉकेट्स वाली चीज़ तो बहुत पसंद है। सो ये रहा फर्स्ट, एंड फिर ये रहा सेकेंड वन, एंड ये रहा थर्ड वन, देन फिर है हमारे पास ये फोर्थ वन, एंड पीछे में भी है ये फिफ्थ। तो मतलब इतना ज़्यादा स्पेस है इसमें, एंड थोड़ा सा और प्राइस कम रहता तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता। वी वॉन्ट टू वेयर ब्लैक ऑन ब्लैक आउटफिट तो बहुत अच्छा लगेगा ये उस पर। एंड ये रहा इसका मटीरियल, मटीरियल वैसे तो अच्छा ही है इसका। बाद जो लिया है मैंने वो बूट्स लिया है, दैट टू फ्रॉम शू टोपिया, एंड अभी ठंड आ गई है एंड सारे को जाना होगा मे बी, अगर आप लोग कहीं घूमने भी जा रहे हो पहाड़ों वहाड़ों में। मैंने बूट्स मंगवाया शू टोपिया से, एंड इस 4 rupees 999 ये रहा पिक्चर, एंड ये ना नी से लिटरली ऊपर तक आता है, सो यू कैन सी ये रहा बूट्स, ठीक है। मुझे उतना क्वालिटी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ना इसका जो चेन है ना यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, इसके वजह से ना ये जो चेन है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया, अच्छे से खुलता नहीं है। आवाज़ से आपको पता लग जाएगा बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है ये वाला चेन इसका, तो यही चीज मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। 999 के हिसाब से चेन का ही बस मेरे को लगा दिक्कत, बाकी सब चीज तो ठीक चल सकता था। एंड सोल का क्वालिटी यू कैन सी, मैंने इसको साइज 38 में मंगवाया, साइज तो मेरे को अच्छे से आ गया है। आई थिंक ये ना ग्लूज में चिपक गया, इसके वजह से हो रहा है मे बी, अगर ये ग्लू धुल जाएगा ना, आप देख सकते हो, अगर इसका ग्लू नहीं रहता तो मे बी ये इसका जो चेन है ना वो स्मूथ चलने लग जाए, बट इसका जो लेंथ आता है नी से ऊपर तक आता है काफी अच्छा लगता है देखने में, तो काफी अच्छा लगता है, बट चेन इज लिटिल डिसअपॉइंटिंग। तो अगर आप इसको धुल लोगे तो मे बी ठीक हो जाए, खुल तो बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत बार ऊपर नीचे करने पर फिर स्मूथ हो सकता है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ। तो यही था, बस मैंने एक ही बूट्स लिया था वैसे, क्योंकि मेरे को हाई नी बूट्स चाहिए था ब्लैक में, इसलिए मैंने लिया था। एंड बाकी सब जगह बहुत महंगा मिल रहा था, लाइक 2000 के ऊपर ही मिल रहा था, बस यही मेरे को 999 तक में मिल गया। ये वाला बूट जल्दी वैसे 2000 के ऊपर ही जाता है। तो या दैट वाज इट, दैट्स द लास्ट थिंग इन दिस हॉल वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सारे आइटम का जो लिंक है ना आपको मेरे स्टोर फ्रंट में मिल जाएगा, अगर आप वो लिंक क्लिक करोगे ना तो आपको एक ही बार में पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, लाइक दिख जाएगा, एंड आप वहाँ से ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। एंड
मैंने अलग अलग भी सारे प्रोडक्ट्स का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक भी पिन कमेंट में मेंशन में कर दूंगी, सो आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड या दैट्स इट, सी यू गाइस वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।